हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हाउस डॉक्टर स्टूडियोज चैनल में। मैं हूं आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी। तो दोस्तों, आज का जो हाउस प्लान है ये 30x60 फीट का है और ये हाउस हमारा वेस्ट फेसिंग है और ये वास्तु के अकॉर्डिंग हमने इस हाउस को डिजाइन किया है। और दोस्तों, जो इस हाउस की बाकी की डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी और इस प्लान के डाउनलोड लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और जो इसका हाउस प्लान है वो हमने इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया है, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और दोस्तों, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा कि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका क्या साइज होगा और उसकी फेसिंग क्या होगी। जी हाँ, तो इसीलिए आप हमारी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए तो आपको भी इस बारे में थोड़ा आइडिया रहता है। और दोस्तों, इसके बाद जो हम अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम आपके लिए एक पोलिंग करेंगे, तो आप उसमें वोट कर आप हमें बता सकते हैं कि हम अगली सीरीज हम किस साइज की स्टार्ट करें। तो आपको उसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी फेसेस की वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और क्या भाई, दोस्तों हाउस के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर मॉडर्न एलिवेशन के साथ आपको शानदार बाउंड्री वॉल डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको एक साइड में मेन गेट को यहाँ पर पेडेस्ट्रियन गेट अलग से देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम अंदर एंटर लेते हैं। अंदर एंटर लेते ही आपको सामने पार्किंग एरिया देखने को मिल जाएगा और इसका साइज 15 फीट 1.5 इंच बाय 20 फीट और 9 इंच का रहेगा। और इसी के साथ आप हाउस के फ्रंट में देखें तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन देखने को मिल जाएगा जो कि हमने एक अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। तो इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर हाउस का ड्रॉइंग रूम देखने को मिल जाएगा और इसका गेट आपको यहाँ पर अलग से देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस ड्रॉइंग रूम का साइज है 13x13 फीट का। और दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं हमारे हाउस के लिविंग एरिया की तरफ। और इससे पहले हम आपको इसकी हाउस की एक और एंट्री दिखा देते हैं जो कि हमारे हाउस के पार्किंग एरिया से स्टार्ट होती है, जो एंट्री आपकी एक पर्सनल एंट्री रहेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका स्टेयर के साथ यहाँ पर आपके हाउस का लिविंग एरिया देखने को मिल जाता है। हमने यहाँ पर सोफा वगैरह नहीं लगाए हैं ताकि आप इसका अच्छी तरह से व्यू ले सकें। और आप इसको देख सकते हैं, इसकी हाइट आपको यहाँ पर ड्यूप्लेक्स देखने को मिल जाएगी और इंटीरियर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा और अच्छी आपको यहाँ पर सीलिंग देखने को मिल जाती है। और आप इसके पार्टीशन डिज़ाइन देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आप एक साइड में देखें तो आपको यहाँ पर एक गैलरी देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं। और आपकी इसी गैलरी से आपके हाउस के ड्राइंग रूम की एंट्री रहेगी और आपको यहीं पर हाउस का हैंड वॉश एरिया देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे हाउस के कॉमन टॉयलेट की तरफ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हाउस का कॉमन टॉयलेट। इसका साइज 8x6 फीट का रहेगा जो कि एक अच्छा साइज है। और दोस्तों, इस टॉयलेट की वेंटिलेशन आपकी डक्ट के थ्रू होगी। तो दोस्तों, इससे आगे चलिए, आपको यहाँ पर हाउस का डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाएगा और इसका साइज आपका 14 फुट 9 इंच बाय 12 फीट का रहेगा जो कि एक अच्छा साइज है। और अगर आप इसके एक साइड में देखें तो आपको यहाँ पर हाउस का एक पूजा यूनिट भी देखने को मिल जाएगा जो कि आपका यहाँ पर हमने एक अच्छे तरीके से एडजस्ट किया है और यहाँ पर ये देखने में काफी अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद हाउस में आगे चलते हुए आप देख सकते हैं, ये है अपने हाउस का फर्स्ट बेडरूम। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सामने टीवी पैनल और अच्छा आपको इंटीरियर डिजाइन, एक साइड में आपको यहाँ पर वार्डरोब देखने को मिल जाती है। और जो इस रूम की वेंटिलेशन है वो हाउस के बैक साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। हमने इसके बैक साइड में ऑफसेट दिए हैं जो कि आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये है हमारे हाउस का किचन एरिया। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छे साइज की किचन देखने को मिल जाती है और आपको यहाँ पर अच्छा स्पेस देखने को मिल जाएगा जो कि हमारे हाउस में लेडीज़ को काम करने के लिए चाहिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसके एक साइड में आपको यहाँ पर यूटिलिटी प्लस वॉशिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। हमने इसको ओपन रखा है, आप अपने हिसाब से इस एरिया को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको इस ओपन एरिया से आपको हाउस में वेंटिलेशन का कहीं भी इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हमारे हाउस के सेकंड बेडरूम की। इंटीरियर आप इसका देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक बेड और सामने अच्छी एक वार्डरोब देखने को मिल जाएगी और इसका साइज 13x12 फिट का रहेगा। और जो इस रूम की वेंटिलेशन है वो हाउस के बैक साइड से होगी। तो दोस्तों आपको हाउस के सेकंड बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाएगा और इसका साइज भी आपका 8x6 फिट का रहेगा और इसकी वेंटिलेशन भी आपकी डक्ट के थ्रू होगी। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम स्टेयर से होते हुए हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर की तरफ देख सकते हैं और इसके बाद आप इस हाउस का जो ऊपर का व्यू है आप उसको भी देख सकते हैं। जो आपके हाउस का मेन पॉइंट रहेगा, जो आपका एक मेन व्यू आएगा वो आपका इसी एरिया से आने वाला है। आप देख सकते हैं हमने ऊपर एक शैंडलियर भी दिया है जो आपका देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी गैलरी देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ में आपको यहाँ पर हाउस का कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाएगा जो कि हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है और इसका साइज 8x6 फिट का रहेगा और इस टॉयलेट की वेंटिलेशन भी आपकी डक्ट के थ्रू होगी। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं आप इस रूम का ओवरऑल व्यू ले सकते हैं और इस रूम का साइज आपका 13x13 फिट का है जो कि एक इनफ साइज है। आपको एक साइड में अच्छी वार्डरोब के साथ आपका साइड में एक बेड भी आराम से आ जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं आपको इस रूम के साथ अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाएगी। आप इसको बालकनी क्या, आप इसको बरामदा भी बोल सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप इस बालकनी को देख सकते हैं, हमने इस बालकनी को काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। आप इसका ओवरऑल व्यू ले सकते हैं। और दोस्तों जो आप सामने ये डोर देख रहे हैं ये आपके बालकनी के कॉमन यूज के लिए रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे हाउस के फैमिली लाउंज एरिया की तरफ। आप यहाँ पर फैमिली लाउंज एरिया देख सकते हैं और इस फैमिली लाउंज एरिया का साइज है आपका 14x9x12 फिट का जो कि एक काफी अच्छा साइज है। और आपको यहाँ पर सामने एक टीवी पैनल भी देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे हाउस के फोर्थ बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फोर्थ बेडरूम आ जाता है जो कि अच्छी वेंटिलेशन के साथ है। ऊपर आपको वेंटिलेशन आपको ग्राउंड फ्लोर से ज़्यादा अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये है आपके हाउस का फोर्थ बेडरूम और इसका साइज़ आपका 11x12x3 इंच का रहेगा। ये है हमारे हाउस का फिफ्थ बेडरूम, इसका साइज आपका 13x12 फिट का है, अच्छी वेंटिलेशन। और आपको इस बेडरूम के साथ अटैच ड्रेसिंग भी देखने को मिल जाएगा जो कि आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हाउस के साथ अटैच ड्रेसिंग एरिया और इसका साइज रहेगा आपका 4x3x6 फिट का। और आपको इसी के साथ एक साइड में अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि आपके हाउस का एक और प्लस पॉइंट है। और दोस्तों जो ये टॉयलेट है इसका साइज है आपका 8x6 फिट का, सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह है और इसकी वेंटिलेशन भी आपकी डक्ट के थ्रू होगी। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं हाउस के रियर टेरेस एरिया की तरफ। हमने यहाँ पर
स्टेयर आउटसाइड में दी है। आप इसको एक हिसाब से कॉस्ट कटिंग मान सकते हैं, आपकी यहाँ पर कॉस्ट बच रही है। आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर ये स्टेयर एक अच्छा लुक दे रही है और आपको यहाँ से एक वेंटिलेशन का भी एक अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप चाहें तो आप यहाँ पर 6 बेडरूम भी बना सकते हैं जहाँ पर हमने स्टेयर दी है। आप यहाँ पर एक रूम बना सकते हैं और जहाँ से हमारी स्टेयर है आप अपनी स्टेयर वहीं से कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप हाउस का टेरिस एरिया देख सकते हैं। हमने एक साइड में आर्टिफिशियल ग्रास और हमने बाकी साइड में यहाँ पर अच्छी एक फ्लोरिंग की है। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक साइड में एक शानदार परगोला देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी सीटिंग के लिए है और ऊपर से ये कवर भी है। तो दोस्तों आप इस टेरिस का ओवरऑल व्यू देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों जो हमारी अगली वीडियो आ रही है उसका साइज भी 30x60 फिट का है और वो नॉर्थ फेसिंग होगी और हमारी इस 30x60 की सीरीज है इसकी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इसके बाद जो हम अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम आपके लिए एक पोलिंग रखेंगे। आप उसमें वोट कीजिए, आप हमें बताइएगा कि आपको अगली सीरीज किस साइज की चाहिए, तो हम उसमें सारे जो फेसिंग है हम उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अभी आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।